अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं अपनी बेबी की हेयर स्टाइल्स की वीडियोस दे रही थी, बट ऐसा हुआ कि मेरी बेटी बीमार हो गई है। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी बेटी के लिए ज़रूर दुआ करना कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी, मतलब उसके कोई इशू नहीं था, मतलब बिल्कुल ठीक रहती थी। लेकिन आज जो है ना, उसे फ़ौरन से बुखार हो गया। देखिए, फीवर एक दिन हुआ है और जो है उसको दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि ऐसे लग रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए 101 इसको जो है टेम्परेचर आया है। और इसके अलावा बेबी का वेट भी 12 kg है सिर्फ, और मेरी बेबी 2 साल और 10 महीने की है, मतलब काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो है उसका वेट काफ़ी कम है। और फिर डॉक्टर ने ये दवाइयाँ लिख के दी हैं। ये वाली एक दवाई दी है कैरीसेप सस्पेंशन, बी ए मुझे नहीं पता ये किस लिए है, बट ये वाली उसने दी है। और एक उसने दी है ब्रूफेन दी है बुखार के लिए, बुखार को तोड़ने के लिए। तो ये अगर आपके बेबी बीमार हैं तो आप दे सकते हैं, ब्रूफेन जो है काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा एक और चीज़ उसने मुझे दी है कि आपने अपने बेबी को ये पट्टियाँ करनी हैं, और ये इस तरह का पैकेट आता है और इस तरह की ये पट्टियाँ होती हैं इसके अंदर में, और फिर ये आपको पट्टी लगानी होती है और ये 8 घंटे तक लगी रहती है और इससे बुखार जो है ना टेम्परेचर कम होता रहता है। तो ये चीज़ें उसने दी हैं। तो बाकी मैं यही कहूँगी कि वीडियो मैं इस वजह से नहीं न्यू बना सकी क्योंकि जो है मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, वो बहुत रो रही है। तो अभी भी मैंने उसको दवाई दी है तो अभी वो थोड़ा सा लेटी हुई है। पहले मतलब उसको गुनगुनी आ जाती थी, वो सो जाती थी, लेकिन फिर जो है दोबारा उठ के रोना शुरू कर देती थी, फिर थोड़ी देर में उसकी आईज जो है क्लोज़ हो जाती थी। तो बस मैं जो है काफ़ी टेंशन भी हो रही है, इस वजह से डिप्रेस भी हूँ, काफ़ी परेशान हूँ। तो जो है बस आप सबसे मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए अम्मी बेटी के लिए ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह पाक उसको सेहत दे। बहुत ज़्यादा मतलब बुखार, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको हो रहा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। मेरी लाडली बेटी है और मुझे जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक बच्चा ऐसा होता है कि बस उसके बगैर तो माँ रह ही नहीं सकती, तो मेरी बेबी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो बस आप सबसे गुजारिश है कि उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हासिदों की नज़र से भी बचाए रखे, और अगर उसके ऊपर कोई भी परेशानी मुसीबत आ रही है तो उस बला को टाल दे, क्योंकि दुनिया में दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा होते हैं। तो बस आप सबसे गुजारिश है मेरी बेबी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बाकी मैं यही कहूँगी कि मेरी बेटी ठीक हो जाए तो फिर मैं दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप जो है वीडियो को लाइक करेंगे, और साथ साथ आप लोग सदका जारिया समझ के इसको शेयर कर दें ताकि मज़ीद लोग भी देख के जो है थोड़ी नॉलेज लें, और फिर वो शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग दुआ कर सकें। अभी के लिए तो मैं बस आप सबको गुड बाय ही कहूँगी, अल्लाह हाफिज़। और बस अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।